गुड मॉर्निंग बच्चों। तो हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रिएक्शन मैकेनिज्म का बात कर रहे हैं और वे रिएक्शन मैकेनिज्म एक 12th का ही पार्ट है। ये न समझें जो ये 12th से अलग हटके है। उस रिएक्शन मैकेनिज्म में हम लोग बात कर रहे हैं अभी एलिमिनेशन रिएक्शन, एक वैसा रिएक्शन जिसमें 2 सिग्मा बॉन्ड का ब्रेकिंग होगा और 1 पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा और वे एक बीटा एलिमिनेशन के नाम से जाना जाता है। पिछले क्लास में यही हम लोग देखे थे। अगेन उसी को आगे बढ़ा रहे हैं। एलिमिनेशन रिएक्शन को कितने कैटेगोरी में डिवाइड किया गया है तो हम जानते हैं जो एलिमिनेशन रिएक्शन 3 टाइप का होता है। एक को क्या कहेंगे E1, दूसरे को क्या कहेंगे तो E1CB और तीसरे को क्या कहेंगे E2। एक रिएक्शन मैकेनिज्म में सबसे इम्पोर्टेंस बात इंटरमीडिएट का होता है। तो ये जो E1 है इस केस में इंटरमीडिएट पता है, तो इस केस में इंटरमीडिएट होता है कार्बोकेटायन। और कार्बोकेटायन मतलब कार्बन पे क्या प्लस। E1CB इसमें इंटरमीडिएट होता है कार्बेनायन। और कार्बेनायन मतलब कार्बन पे क्या नेगेटिव चार्ज। और E2 का इंटरमीडिएट होता है ट्रांजिशन स्टेट। और ट्रांजिशन स्टेट का मतलब होगा जो एक वैसा स्टेट जिसमें बॉन्ड ब्रेकिंग और बॉन्ड फॉर्मेशन दोनों ही फेनोमेनन एक साथ हो तो उसको ही हम किस नाम से जानते हैं, ट्रांजिशन स्टेट के नाम से जानते हैं। अब जरूरत है जो हम लोग कैसे पहचानेंगे जो किस केस में E1 होगा, किस केस में E2 होगा और किस केस वन में E1CB होगा। तो एक वैसा रिएक्शन, ध्यान से सुने, बहुत इंपॉर्टेंस बात है, एक वैसा एलिमिनेशन जिसमें अस्टेबल कार्बोनियम आयन का फॉर्मेशन हो तो उसको हम कहेंगे जो ये E1 से प्रोसीड करेगा। यदि लिस्ट अस्टेबल कार्बेनायन का फॉर्मेशन हो तो कहेंगे E1CB से प्रोसीड करेगा। और यदि मोस्ट अस्टेबल ट्रांजिशन स्टेट बने तो कहेंगे E2 का। उतना अच्छा पता नहीं चला होगा, पहले इसका हम एग्जांपल लेते हैं जो क्या होता है। लेकिन पहले आप लोग वीडियो को पॉज करें, नोट करें। तो इस पॉइंट को आउट कर दिए, जो E1 इज जनरली फॉलोड बाय दोज सबस्टेट व्हिच कैन प्रोड्यूस मोर अस्टेबल कार्बोनियम आयन इंटरमीडिएट। मतलब कार्बोनियन आयन मतलब C+ E2 फॉलोड बाय दोज सबस्टेट व्हिच कैन नॉट प्रोड्यूस एन अस्टेबल कार्बेनायन। और E1CB फॉलोड बाय दोज सबस्टेट व्हिच हैव एन मोर एसिडिक बीटा हाइड्रोजन। तो इस तरह से हम लोग एक सबस्टेट में क्लियर कर सकते हैं जो किस केस में E1 होगा, किस केस में E2 होगा और किस केस में E1CB होगा। अब फिर हम एग्जांपल बात करेंगे, पहले इसको आप लोग वीडियो को पॉज करके नोट कर लें। तो देखें ये 3 टाइप का सबस्टेट लिए है। इसमें हमको निर्णय करना है जो किस केस में E1 होगा, किस केस में E1CB होगा और किस केस में E2 होगा। तो एलिमिनेशन का जो प्रोसेस होगा वे बेस के प्रेजेंस में होगा। एक ऑर्गेनिक रिएक्शन में सबसे इम्पोर्टेंस पॉइंट यह होता है जो एक ऑर्गेनिक रिएक्शन जो है किसके प्रेजेंस में हो रहा है। तो यदि बेस ट्रीट किया जाए हेलाइड के ऊपर तो वहां पे एलिमिनेशन होगा और ये बात हम लोगों को याद रखना पड़ेगा। ये क्या करना पड़ता है, याद रखना पड़ता है और यही ऑर्गेनिक में एक इम्पोर्टेंस पॉइंट है। तो अब देखें यदि यहां से ये हट जाए
यहां से ये हट जाए। जो हम लोग हेलाइड देख रहे हैं ये लिविंग ग्रुप है, तो लिविंग ग्रुप यदि है तो इस सिचुएशन में यहाँ पे ब्रोमीन होगा। ये जो आप देख रहे हैं यहाँ ब्रोमीन देखते हैं, तो ये तीनों जगह यदि हटेगा तो कार्बोनियम आयन 3 डिग्री केस में ज्यादा होगा। ये पिछले क्लास हम लोग स्टेबिलिटी का कुछ बात किए थे SN1 और SN2 में, तो 3 डिग्री का कार्बोनियम आयन का स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होता है। इसलिए यहाँ पे हम कह देंगे जो कौन सा इलिमिनेशन होगा, E1 इलिमिनेशन होगा। ये तो 1 डिग्री का हेलाइड है और यहाँ यदि इलिमिनेशन हो तो अब E1 क्यों कह दिए, क्योंकि ये जो बनेगा यहाँ पे ये कार्बोनियम आयन यदि बात करें, जैसे मान लीजिए हमको सोचना होगा जो तीनों में, तो तीनों में कार्बोनियम आयन बना करके देखेंगे तो इस कार्बोनियम आयन का जो स्टेबिलिटी होगा वे ज्यादा होगा। तो नहीं, लेकिन ये यदि दे दिया जाए तो हमको इसको क्या करना होगा, CH3 ही रखना होगा, नहीं तो सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी इसका हो जाएगा बाबू। अब इस दोनों में, इसमें यदि बात करें तो E2 उसमें होगा जिसमें लेस स्टेबल कार्बोनियम आयन बनेगा, तो इसका जो कार्बन आयन है वे लेस स्टेबल बनेगा। और एसिडिक हाइड्रोजन, ये जो देख रहे हैं ये बीटा हाइड्रोजन, ये एसिडिक होगा, तो ये बन गया E1 CB रिएक्शन। लेकिन उतना भी अभी क्लियर नहीं हो पाएगा, एक एग्जाम्पल के तौर पे अभी आप लोग रट जाइए, यदि 12th में पूछा जाए जो E1 E2 और E1 CB का एग्जाम्पल, तो ये एग्जाम्पल हम लोग और आगे जैसे ऐसे जाएंगे इसमें स्पष्ट होगा जो E1 कब कहेंगे और E2 कब कहेंगे। तो वीडियो को पॉज करें, नोट करें। चलें देखें अब ट्रांजिशन स्टेट ऑफ E2 पाथवे। तो E2 पाथवे में जो हम ट्रांजिशन स्टेट देखेंगे, मतलब E2 रिएक्शन जो हम लोग देख रहे थे उस रिएक्शन में क्या हो रहा था बाबू, तो ए एट ए टाइम 2 सिग्मा बॉन्ड ब्रेक हो रहा था और 1 पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा था। तो ये जो सोचा गया है जो किस तरह से ये फॉर्मेशन और ब्रेक होगा उसका कितने चांसेज है, क्या क्या सिचुएशन हो सकता है। तो देखिए यदि इस तरह से हम ट्रांजिशन स्टेट लें, यहाँ पे ये H जो है ब्रेक हो रहा है और H जो ब्रेक होगा वे बेस के प्रेजेंस में होगा, ये बेस इससे कंबाइन करता होगा किससे, हाइड्रोजन से, तो ये हाइड्रोजन का बॉन्ड ब्रेक हो रहा होगा। अगेन ये जो ब्रोमीन है, जनरली हम लिविंग ग्रुप ब्रोमीन लिए, ये ब्रोमीन टूट रहा है, मतलब ये दोनों का दोनों जो ग्रुप जो इलिमिनेट हो रहा है वे एक ही साइड में है। और दूसरा सिचुएशन क्या हो सकता है, यहाँ पे अगेन जो हाइड्रोजन है वे बेस से रिएक्शन करता होगा और इस तरह से ये ब्रोमीन टूट रहा होगा। तो देखें एक वैसा सिचुएशन जो दोनों का दोनों सिग्मा बॉन्ड एक ही साइड से ब्रेक हो रहा हो, और एक वैसा सिचुएशन जो दोनों का दोनों सिग्मा बॉन्ड एक दूसरे के अपोजिट साइड से ब्रेक हो रहा हो। तो इस तरह का जो इलिमिनेशन है इसको नाम रख दिया गया सीन पेरी प्लैनर ट्रांजिशन स्टेट, SYN सीन पेरी
प्लानर ट्रांजिशन स्टेट, मतलब जब एक ही साइड से हो तो क्या वर्ड इस्तेमाल करेंगे, सीन। और इसको कहा गया है एंटी पेरी प्लानर ट्रांजिशन स्टेट। ये सीन पेरी प्लानर ट्रांजिशन स्टेट, इसको इक्लिप्स टर्म रखा गया है। इक्लिप्स यदि दो ग्रुप एक दूसरे के नजदीक रहे, कवर करे, तो उसको इक्लिप्स कहा गया है। और ये स्टैगर्ड के नाम से जाना जाता है। तो एक ही सबस्ट्रेट, ध्यान दें, एक ही सबस्ट्रेट यदि सीन पेरी प्लैनर ट्रांजिशन स्टेट बने और एंटी पेरी प्लैनर ट्रांजिशन स्टेट बने, तो इस दोनों में स्टेबिलिटी किसका ज्यादा होगा? तो जहां कहीं भी सीन बनेगा वे लेस स्टेबल होगा। क्यों? क्योंकि यहां रिपल्सन होने का चांसेज है, ये लेस स्टेबल, और ये एक दूसरे के एंटी है तो ये मोर स्टेबल। क्या समझे बात? यदि सीन पेरी प्लैनर ट्रांजिशन स्टेट बनता है तो वे ट्रांजिशन स्टेट लेस स्टेबल होगा और ये मोर स्टेबल होगा। तो यदि रिएक्शन दोनों ही मैकेनिज्म से हो रहा है तो इस केस में रेट फास्ट होगा और इस केस में रेट स्लो होगा। इसका मतलब हमेशा एक इलिमिनेशन एंटी से होना चाहेगा। एंटी यदि पॉसिबल नहीं है, अब कैसे पॉसिबल नहीं है वे आगे हम बताते हैं, तो सीन होगा, क्योंकि इसका स्टेबिलिटी क्या है, लेस है। तो अभी सिर्फ आप इतना ही समझें, यदि दोनों का दोनों इलिमिनेटिंग ग्रुप सेम साइड हो तो उस समय सीन पेरी प्लैनर ट्रांजिशन स्टेट बनेगा, और यदि अपोजिट साइड हो तो एंटी पेरी प्लैनर ट्रांजिशन स्टेट बनेगा। सीन का स्टेबिलिटी लेस होगा और एंटी का स्टेबिलिटी मोर होगा। वीडियो को पॉज करें, नोट करें। तो देखें, इसमें इलिमिनेशन कराना है, ये एक सबस्ट्रेट है, आपको रटना होगा बाबू। यदि ZN हीट किया जाए तो इलिमिनेशन होगा। क्यों होगा ये मत सोचिएगा, जहां क्यों का जवाब देना होगा मैं आपको खुद बताऊंगा जो क्यों ऐसा होता है। क्योंकि ऑर्गेनिक में अधिकांश बात आपको क्यों के बावजूद भी रटना होता है। इसीलिए आज के बाद ये समझ जाएं, जो जैसे ही ZN और हीट किया जाए तो वहाँ पे यदि दो क्लोरीन है कहीं भी, वहाँ से वे खींच लेगा। क्या कह रहे हैं, ZN और हीट किया जाए तो वे क्लोरीन को खींच लेगा। अब जैसे ही यहाँ पे ये क्लोरीन यहाँ से खींचा जाएगा, तो ये क्लोरीन आप देखें जो किस तरह से है, तो ये दोनों का दोनों सेम साइड है, इसीलिए इसको हम क्या कहेंगे, सीस। और इसमें ऐसा भी नहीं है जो ये रोटेशन हो, ये रोटेशन संभव नहीं है। मतलब जब भी यहाँ इलिमिनेशन होगा तो ये दोनों का दोनों सीस फॉर्म में रहेगा, वहीं से खींचा जाएगा। तो जैसे ही ये खींचा जाएगा तो pH, ये ट्रिपल बॉन्ड pH, ये किस तरह का इलिमिनेशन हो गया, ये कह देंगे शीन इलिमिनेशन। क्या कहेंगे इसको, शीन इलिमिनेशन है। इसमें देखें, यहाँ पे देखें, ये Cl और ये Cl दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, और यदि अपोजिट है तो इसको हम क्या कह देंगे, ट्रांस। अब ये ट्रांस है तो ट्रांस ही रहेगा, क्योंकि फिर यहाँ पे कोई रोटेशन नहीं होगा। दूसरी बात, ट्रांस है तो और स्टेबल है, वे सीस होना ही नहीं चाहेगा। अब जैसे ही ये रिमूव होगा तो pH इस तरह से, और ये साइड प्रोडक्ट यदि बात करेंगे
तो ZnCl2 बनेगा। यहाँ पे हम कहेंगे ये कौन सा एलिमिनेशन होगा, तो ट्रांस एलिमिनेशन होगा। अब सवाल है इसको R1 कह देते हैं और इसको R2 कह देते हैं, तो R1 और R2 में किसका रेट फास्ट होगा, तो R1 का रेट स्लो होगा और R2 का रेट फास्ट होगा। क्यों? क्योंकि ये एंटी इलिमिनेशन हो रहा है, ये ट्रांस ना कह करके हम क्या कह देंगे, एंटी इलिमिनेशन हो रहा है। और यदि एंटी इलिमिनेशन हो रहा है तो उसका रेट फास्ट होगा। यहाँ पे हम कहेंगे ओनली, यहाँ ओनली एंटी होगा और यहाँ ओनली सीन होगा। अब इसमें जरा गौर करें, देखिए क्या लग रहा है, ये एक दूसरे के सेम साइड लग रहा है, लग रहा है जो यहाँ पे क्या होगा, ये सीन एलिमिनेशन होगा। लेकिन ऐसी बात नहीं है, यहाँ सिंगल बॉन्ड जहाँ कहीं भी हो, ध्यान दें सिंगल बॉन्ड जहाँ कहीं भी हो वे रोटेट कर जाता है। मत पूछिएगा क्यों रोटेट कर जाता है, जैसे ही सिंगल बॉन्ड हो वहाँ रोटेशन होगा, जहाँ डबल बॉन्ड हो या ट्रिपल बॉन्ड हो कार्बन कार्बन के बीच कोई रोटेशन नहीं होता है। तो हम जानते हैं ये तो लेस स्टेबल फॉर्म है, इसलिए पहले हमको क्या करना है, इस तरह से रोटेशन करा देना है। यानी आपको ये समझना है यदि ये दिया हुआ है तो रोटेट करके ये आ गया होगा। अब इस पर सोचेंगे ZN और हीट के बारे में, तो ZN जैसे ही यूज किया जाए तो ये बात तो आपको रट जाना होगा, जो ब्रोमीन क्या होगा हटेगा, जैसे ही हटेगा तो CH2 यहाँ से ये बॉन्ड बनेगा, ये सिग्मा बॉन्ड ब्रेक होगा और क्या बनेगा, पाई बॉन्ड बनेगा। तो साइड प्रोडक्ट तो ही हो जाएगा ZnBr2। लेकिन यहाँ कहा जाए इलिमिनेशन क्या होगा, तो फिर हम यहाँ कहेंगे ओनली एंटी इलिमिनेशन, ओनली एंटी इलिमिनेशन। लेकिन हम लोगों को लग रहा होगा जो यहाँ पे सीन का चांस है, लेकिन सीन का चांस नहीं है। तो फिर से ध्यान से सुने, हमेशा एंटी इलिमिनेशन होगा। एंटी इलिमिनेशन तब नहीं होगा जब एंटी का कोई चांस नहीं है, और एंटी का कोई चांस कब नहीं होगा, जब इस बीच में क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा और दूसरा साइक्लिक आ जाएगा। तो उस सिचुएशन में हमेशा जो होगा वे सीन इलिमिनेशन होगा, नहीं तो क्या होगा, एंटी इलिमिनेशन होगा। तो हमेशा एंटी इलिमिनेशन का रेट जो होता है वे फास्ट होगा, किसके अपेक्षा, सीन इलिमिनेशन की अपेक्षा। तो वीडियो को पॉज करें, नोट करें, बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट जो इसमें आपसे कहा जाएगा, जो आप देख रहे हैं 1 degree, 2 degree, 3 degree हेलाइड, ब्रोमीन है तो ब्रोमाइड, किस केस में E1 ज्यादा होगा और किस केस में E2 ज्यादा होगा। तो यहाँ पे हम सबसे पहले निर्णय ले लेते हैं केस ऑफ E1। ये जो आपको E1 वर्सेस E2 लिखे, तो इसमें हम कर देते हैं केस ऑफ E1। तो शुरुआती से मैकेनिज्म में आपको समझा रहे हैं बाबू, जो जैसे ही रिएक्शन मैकेनिज्म का बात हो तो सबसे पहले आप इंटरमीडिएट का स्टेबिलिटी देखें। तो जैसे ही E1 एलिमिनेशन कहा जाए तो हम क्या समझे हैं, जो E1 के केस में इंटरमीडिएट क्या होगा, तो कार्बोनियम आयन होगा। तो इस तरह से सभी केस में हमको क्या कर देना है, कार्बोनियम आयन बना देना है। फिर हम ये देखेंगे जो जिस केस में कार्बोनियम आयन का स्टेबिलिटी जितना ही ज्यादा होगा, रेट ऑफ रिएक्शन उतना ही ज्यादा होगा। कार्बोनियम आयन के स्टेबिलिटी के लिए फिर सुने, यदि यहाँ प्लस चार्ज है तो ये चार्ज यदि घटता है तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा, चार्ज यदि घटता है तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा। चार्ज को घटाएगा कौन, तो जो इलेक्ट्रॉन डोनर होगा वे चार्ज को घटाएगा। इलेक्ट्रॉन डोनर कौन होगा, तो हम लोग देखे हैं प्लस आई इफेक्ट, हाइपर कंजुगेशन और प्लस एम इफेक्ट चार्ज को घटाता है, तो
तो ये हम जानते हैं जो मिथाइल जो है प्लस आई इफेक्ट शो करता है। यदि हाइपर कंजुगेशन का बात करें तो हाइपर कंजुगेशन शो करता है, तो सबसे ज्यादा प्लस आई इफेक्ट, यानी ये जो हो गया जैसे जैसे हम कहेंगे नीचे की तरफ जा रहे हैं स्टेबिलिटी क्या होगा, इंक्रीज करेगा। तो यदि स्टेबिलिटी इंक्रीज करेगा मतलब E1 का रेट सबसे ज्यादा किसमें होगा, 3 डिग्री। तो इसीलिए हम कह देंगे रेट ऑफ E1 रिएक्शन जो होगा ये 3 डिग्री, उसके बाद 2 डिग्री और इसके बाद 1 डिग्री हैलाइड में होगा। क्लियर हो गया बात। तो अगेन हम E2 के बारे में बात करेंगे, पहले वीडियो को पॉज करें, नोट करें। चलें अब यहाँ देख लें, अगेन हम कर दिए केस ऑफ E2। अब E2 के केस में, तो E2 के केस में तो हम ट्रांजिशन स्टेट देखे हैं। अब ट्रांजिशन स्टेट आप समझें जो इस तरह से ये ब्रोमीन हटा, यहाँ ये हाइड्रोजन है और ये CHH, ये हाइड्रोजन हटा और हटाने वाला कौन होगा, तो बेस यहाँ पे देखिए यही ट्रांजिशन स्टेट है, हैं? और ये इसको नाम दे देते हैं इनसिपिएंट डबल बॉन्ड के नाम से जानेंगे। क्या जानेंगे बाबू, इनसिपिएंट डबल बॉन्ड के नाम से जानेंगे। इसी तरह से इस केस में तो हम डायरेक्ट बना लेते हैं, तीसरा केस में तो ये इनसिपिएंट डबल बॉन्ड है CH3 चलिए देखिए इस डबल बॉन्ड से 2 CH3, इस डबल बॉन्ड से 2 हाइड्रोजन, इस डबल बॉन्ड से 2 हाइड्रोजन, तो इस साइड तो सेम है लेकिन इस साइड देखें ये 2 CH3, तो इसको नाम रख दिया गया मोर सब्स्टिट्यूटेड डबल बॉन्ड। क्या कह दीजिएगा, मोर सब्स्टिट्यूटेड डबल बॉन्ड। और जैसे ही मोर सब्स्टिट्यूटेड तो मोर स्टेबल होगा, ये बात हम लोग पहले भी देख चुके हैं। जैसे ही इस डबल बॉन्ड से ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट हो मतलब हाइड्रोजन का नंबर कम हो तो उसका स्टेबिलिटी ज्यादा होता है। तो अगेन हम कहेंगे जो 3 डिग्री के केस में जो है ये जो ट्रांजिशन स्टेट है वे ट्रांजिशन स्टेट मोर स्टेबल होगा किसके अपेक्षा, 1 डिग्री की अपेक्षा। और जैसे ही ट्रांजिशन स्टेट मोर स्टेबल हो गया तो किसी भी रिएक्शन का इंटरमीडिएट यदि मोर स्टेबल होगा तो वे रेट ऑफ रिएक्शन भी ज्यादा होगा। तो इसीलिए रेट यदि बात करें रेट ऑफ E2 का तो अगेन 3 डिग्री, 2 डिग्री और 1 डिग्री हैलाइड होगा। क्लियर हो गया बात। तो चाहे हम लोग इलिमिनेशन में E1 कहें या E2, 3 डिग्री का रेट ज्यादा होगा, लेकिन फिर आज ही आपको SN1 और SN2 का डिवाइड कर लेंगे, उसमें एक दूसरे का क्या है बाबू, अपोजिट है। वे आप पीछे वाला वीडियो लेक्चर या नोट किए होंगे तो नोट में देख लेना है। तो बस आज हम इतना ही बात करेंगे इसमें, अगले रोज कुछ रूल का बात करेंगे जिसका नाम होगा शेटजेफ रूल्स और हॉफमैन्स रूल। इसके बाद हम लोगों का इलिमिनेशन फिनिश्ड हो जाएगा, तब रहेगा एक एडिशन रिएक्शन, यानी 3 क्लास के बाद हम लोगों का स्टार्ट हो जाएगा हैलो अल्कीन एंड हैलो एरीन। तब पढ़ेंगे मजे से ऑर्गेनिक का एक एक चैप्टर। लेकिन याद रखे जो लोग ये सब नहीं पढ़ा हुआ होगा, जो मैकेनिज्म का वीडियो नहीं देखा हुआ होगा, उसको आगे कुछ समझ में आने वाला नहीं है। बस आज के लिए इतना ही। जय हिंद।